आज हम करने वाले हैं क्लास 3 की EVS की वर्कशीट, चैप्टर है आपका सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। तो ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के और याद कीजिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग सीजन इन द झारखंड? तो आपको याद होगा चैप्टर में हमने किया था, ये है आपका सरहुल। विच फ्लावर इज मैंशन इन द ब्लूमिंग इन स्प्रिंग एट द नैरेटर्स प्लेस? तो कौन सा फ्लावर था वो? बुरांज। वट डिश डिड द नैरेटर हैव फॉर लंच एट मामा एंड मामीज हाउस? तो कौन सी डिश उसने खाई थी? हाक विद हॉट राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई नैरेटर्स फ्रेंड अन्नी एंड फ्रॉम केरला? तो अन्नी कौन सा इनमें से फेस्टिवल है जो वो सेलिब्रेट करते हैं केरला से? तो क्या है नाम? विशु। वट इज़ द नैरेटर्स नेम इन द स्टोरी? तो क्या नाम था नैरेटर का? ऋषि, है ना, ऋषि अपनी स्टोरी बता रहा है। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। द नैरेटर्स मामा एंड मामी लिव इन स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स, उनका गांव कहाँ था? पहाड़ों के पास। नोनिका पॉइंटेड टू द फ्लावर एंड कॉल्ड इट्स अ ट्यूलिप, फ्लावर की तरफ देख के उसने क्या कहा कि यह क्या है? ट्यूलिप। द कश्मीरी डिश द नैरेटर इंजॉयड फॉर लंच वाज हाक विद हॉट राइस, ठीक है। द नैरेटर्स शेयर्ड विद चिया एंड नोनिका अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट देयर प्लेस विद मस्टर्ड एंड डैश फ्लावर्स। तो कौन सा फ्लावर था जो मस्टर्ड के साथ था? बुरांज। विशु कानी इज एन स्पीशियस रिचुअल ऑब्जर्व्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द डैश न्यू ईयर, तो क्या आएगा? मलयाली। ओके, द नैरेटर्स मामा लिव्स इन अ सिटी, फॉल्स, कहाँ रहते थे वो? विलेज में रहते थे। द नैरेटर्स फ्रेंड अनी सेलिब्रेट्स अ फेस्टिवल कॉल्ड विशु, ट्रू। द नैरेटर्स मामा एंड मामी हैड पिज्जा फॉर लंच, नो, क्या खाया था उन्होंने? हाक विद हॉट राइस। द नैरेटर्स मामा वाज नॉट देयर टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप, फॉल्स, वो वहाँ थे। सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द विंटर सीजन, नो। में आपका मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपको रिलेटेड वर्ड्स को मैच करना है। तो सबसे पहले रूडोडेंड्रन, तो रूडोडेंड्रन होगा आपका बुरांस। इसी तरह से विशु, विशु क्या है? येलो। एमल्टास फ्लावर। सरहुल आपका होगा झारखंड। ट्यूलिप हिमालयाज, एंड कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल कब होता है? स्प्रिंग में। ओके, तो इस तरह से आपके मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन में आपको कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स दिए हुए हैं जिनको आपको मैच करना है। तो पहला देखो क्या है, ये है आपका स्पीड ब्रेकर। उसके बाद है आपका स्कूल अहिट। नेक्स्ट नो पार्किंग। नो पार्किंग का इस तरह का भी सिंबल होता है और ऐसे भी होता है। इसके बाद है मैन एट वर्क, देन आपका नो हॉर्न, और लास्ट है आपका यू टर्न। नो यू टर्न, दैट मीन्स आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते। तो ये सारे आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, इनको ध्यान से देखिए और पता रखिए कि किस कौन सा सिंबल किस बात को बता रहा है, ठीक है। ओके, अब कुछ फेस्टिवल्स दिए हुए हैं जिनको आपको मैच करना है विद देयर नेम्स। तो पहला नाम देखो क्या लिखा हुआ है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्या होता है? जहाँ पे सिस्टर अपने भाई को राखी बांधती है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में इमेज है, तो इससे हम मैच कर देंगे, ठीक है। ये है आपका रक्षाबंधन। व्हेन अ सिस्टर टाई अ राखी ऑन हर ब्रदर्स रिस्ट। नेक्स्ट है आपका ईद। तो देखो लास्ट फर्स्ट वाली इमेज देखो, जहाँ पे गले मिल रहे हैं, टोपी लगाई हुई है। तो जब फास्ट रखते हैं, फास्ट का जब एंड होता है, जिनको हम बोलते हैं रमादान, तो जब एंड होता है तो क्या मनाते हैं? ईद मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 अगस्त, तो झंडा फहराते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो ये आपका इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिवाली। दिवाली क्या होता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट, जब हम दिए जलाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये इमेज है, इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? होली। होली क्या होता है? फेस्टिवल ऑफ कलर्स, बहुत सारे रंगों से हम खेलते हैं। तो ये आपका ये है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्रिसमस, जब हम क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। तो इस तरह से आपको फेस्टिवल्स को मैच करना है विद देयर इमेज। इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए और स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए। तो ये हमारी थी वर्कशीट। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।